हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने दो लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और साथ में अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लीजिए, एटलीस्ट आप सेकंड लेक्चर को देख के आइए ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे समझ पाएं। क्योंकि तो इसमें हम जो सेकंड लेक्चर है हमारा उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, और यहाँ पे हम सीखेंगे कि सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के ये होते हैं और कैसे उनको करते हैं। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि जो सेट ऑपरेशन होते हैं उनका डेली लाइफ में हमारा क्या यूज है। चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा सेट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा यूनियन। सबसे पहले जो हमारा सेट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता क्या है, जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे यूनियन का अगर मतलब कॉमन सेंस निकाले अगर इंग्लिश में, तो अगर कई चीजें आपस में आगे जुड़ जाए, है ना, कुछ चीजों का आपस में आगे जुड़ जाने की तो हम यूनियन बोलते हैं कि उनका एक यूनियन है, यानी कि वो चीजें आपस में आगे जुड़ गई हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं यूनियन। ऐसे ही यहाँ पे जो ये जो यूनियन है सेट थ्योरी के अंदर जो यूनियन है, इसका मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा सेट्स आपस में आके जुड़ जाएं, सारे के सारे। जुड़ने का मतलब इन सेंस वो नहीं कि 1+2 हो जाए, ऐसा नहीं। जुड़ने का मतलब एलिमेंट जो है, यहाँ पे दिख रहा है कि एक जो हमारा सेट था, ये जो सेट था आगे वाला, इसका जो हमने अगले सेट के साथ में यूनियन निकाला, तो ये जो सेट था अलग अलग वो एक ही बन गया। पर इस सेट के अंदर इसके भी सारे एलिमेंट्स हैं और इसके भी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब होता है यूनियन। अब यहाँ पे जो हम यूनियन पढ़ेंगे ना सेट थ्योरी के अंदर, वो यूनियन जो है वो ऐसा नहीं कि वो जुड़ जाएं, उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सेट्स हैं उनके सारे एलिमेंट्स हम सिंगल सेट में लेंगे। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हमारे पास दो सेट है, लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास 3 सेट होते तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम जो एलिमेंट्स होते उनको एक साथ एक ही सेट में लिख देते, लेकिन किसके अंदर बंद करते हैं, उसको बंद करते कर्ली ब्रेसेस के अंदर, साथ में उस वो जो एलिमेंट्स होते उनको हम कॉमा के साथ में सेपरेट भी करते। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी नोटेशन की हम बात करें, अगर नोटेशन तो इसकी होती है ऐसे यू जैसे होता है ना यू, एकदम ऐसी इसकी नोटेशन इसकी होती है। और साथ में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सेट था ABC और एक सेट था 1 2 3। अब इनका जब हमने यूनियन किया तो जो यूनियन होगा उसके अंदर इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे क्या क्या आ गया, यहाँ पे A B C and 1 2 3। अब ये क्या है इनका यूनियन। अब हम देखें अगर सेकंड एग्जांपल, तो सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेट है ABC और दूसरा सेट है CDE। अब यहाँ पे अगर इसका हम यूनियन करेंगे तो कई लोग क्या करेंगे, इसमें ABC इसके सारे एलिमेंट्स ले लिए और इसके भी सारे एलिमेंट्स ले लिए, पर यहाँ पे ये सी को डबल करना ठीक नहीं है, ये रॉन्ग माना जाता है। रॉन्ग इस वजह से क्योंकि इसमें क्या होता है, हम किसी भी एलिमेंट को बार बार सेट के अंदर रिपीट नहीं करते, उसको हम एक ही बार लिखते हैं। सेट के अंदर बार बार एलिमेंट्स को रिपीट करना ठीक नहीं होता, तो उसको हम एक ही एलिमेंट लिखते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे ना लिख करके, इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं तो ये एकदम इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, अब अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएं, उसमें क्या होगा, ये आ गया हमारा पहला सेट और ये आ गया हमारा जो बाद वाला सेट है वो। अब पहले सेट का नाम देते हैं अपना एक्स और बाद वाले को हम देते हैं वाई। ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया वाई। अब यहां पे हम देखें तो ये जो पार्ट है, ये वाला ये जो पार्ट है, ये पार्ट दोनों सेट्स के लिए कॉमन है, ये पार्ट जो है दोनों सेट्स के लिए कॉमन है। तो यहां पे आएंगे वो एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स में कॉमन हो। अगर हम देखें यहां पे इन दोनों को हम कंपेयर करें तो यहां पे सी दोनों में कॉमन है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे सी। लेकिन हम देखें इन दोनों में तो यहां पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहां पे ये खाली पड़ा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अंदर हम क्या भरेंगे, यहां पे सी क्या भरेंगे इसमें हम सी। अच्छा, अब इसके बाद अब हम देखें तो जो हमारा सेट एक्स है उसमें और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, AB है एंड BB है। अब देखें हम अगर ये पूरा जो सेट ए है सॉरी एक्स है, जो सेट एक्स है उसके अंदर AB है BB और CB है, पर सी किस रीजन में है जिसमें दोनों सेट के अंदर आ जाएगा। अब आगे बढ़े अगर तो जो बाई सेट है उसमें क्या है, सी कॉमन है, डी है और ई है, ये क्या हो गया पूरा बाई सेट। अब इनका अगर हम करें यूनियन, देखिए ये जो दोनों आपस में मैच हो रहे हैं ना एकदम सेम टू सेम है। अब इनका हम यूनियन करेंगे ना तो यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे, सारे के सारे 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 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये हो गया इसका वेन डायग्राम, क्या हो गया इसका वेन डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात, अगर जब हम इसको आगे इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में,
तो वहाँ पे ना कई बार क्या होगा, वहाँ पे समय सीधा साधा नहीं मिलेगा कि आपको यूनियन लेना है यहाँ पे, हमें वहाँ पे कुछ सेंस देंगे या तो और का या फिर एंड का। तो उसके लिए अगर आपको और का सेंस मिलता है, अगर आपको वहाँ पे और का सेंस मिलता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूनियन को। वहीं पे अगर आपको एंड का सेंस मिलता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन को। इसके प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, हाँ सॉरी इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों सेट्स में, अगर हम दो सेट्स की बात कर रहे हो तो, अगर ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा में, तीन में बात करें तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो हम देखें तो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स में हमारे पास कॉमन हो। दो सेट्स में हमारे पास कोई एक्स एंड वाई, ये रहा एक्स एंड ये रहा वाई। अब इनमें दोनों में अगर वो कॉमन हो तो उस वो एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटरसेक्शन में वो आ जाएंगे। इसकी जो इंटरसेक्शन होती है वो होती है उल्टा यू। तो होता है वो उल्टा यू। अब हमारे पास कोई सेट है एक्स ए बी सी डी और कोई सेट है वाई ए डी ई एफ। हम देखेंगे अगर तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो हम देखें यहाँ पे ए बी है, इसमें बी है, तो यहाँ पे ए आ गया, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, तो यहाँ पे डी आ गया। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, इनमें कॉमन है, तो इस वजह से यहाँ पे आ गए। अब पता है ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इनको हम कहाँ पढ़ते हैं, इस रीजन में जहां पे ये कॉमन है। और साथ में अब ए डी तो आ गया, अब ए डी जो वो एक्स के अंदर भी है और वाई के अंदर भी है। तो हम बात करें तो एक्स की, तो एक्स में क्या क्या बाकी, अभी बी और सी बाकी है। वही हम देखेंगे वाई में, तो वाई में क्या क्या बाकी, अभी ए एन डी तो यहाँ फिल हो गया, ई एन एफ बाकी है। और हमें यहाँ पे कौन सा पार्ट शेड करना है, उस पार्ट को हमें यहाँ पे कलर करना है, शेड करना है जो कि दोनों में कॉमन है, यानी कि इंटरसेक्शन है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया इसका इंटरसेक्शन। और ये पूरा क्या हो गया इसका वेन डायग्राम, पूरा क्या हो गया इसका वेन डायग्राम। और जब इसकी हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो जिन जगहों पर हमें एंड का सेंस मिलेगा, एंड का सेंस जहां पे आ रहा होगा उन जगहों पे हम इंटरसेक्शन का यूज करने वाले होंगे। अच्छा अब आते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन, सेट डिफरेंस। तो सेट डिफरेंस में हम क्या करते हैं, हम उन एलिमेंट्स को लेते हैं जो कि एक सेट में तो मौजूद हो पर दूसरे प्रेजेंट नहीं हो, एक्स के अंदर तो प्रेजेंट हो और वाई के अंदर प्रेजेंट नहीं हो। अब इसकी जो नोटेशन होती है वो होती है एक्स बैक स्लैश वाई या फिर एक्स माइनस वाई। अब इसमें पता है हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे, एक्स के वो एलिमेंट्स जो कि वाई के अंदर मौजूद ना हो। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है ए बी सी डी कोई सेट है और एक सेट है ए बी ई एफ। अब हमें इनमें से वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कि इसके अंदर तो हो पर इसके अंदर वो सेम एलिमेंट्स नहीं हो। तो हम देखें तो क्या ए है इन दोनों में, ए है तो ए को हम निकलेंगे, बी है इन दोनों में, बी भी है तो बी को भी नहीं लेंगे, क्या सी है इसमें, नहीं है तो सी को हम लेंगे, और डी है, डी भी नहीं है तो डी को हम लेंगे। और यहाँ पे एरर हो गई गलती से, तो यहाँ पे आएगा सी कॉमा डी, क्योंकि हमें कौन से एलिमेंट लेते हैं जो कि इसमें तो प्रेजेंट हो इसमें वो प्रेजेंट नहीं हो, क्या आंसर आएगा हमारा सी एन डी। अच्छा इसको हम कैसे देखेंगे जरा देखो। अब हम देखें तो इन दोनों सेट्स की हम बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ए और बी कॉमन है, तो वो किस रीजन में आएंगे, इस रीजन में, ए एंड बी कौन से रीजन में आएंगे, इस वाले रीजन में। वहीं पर हम अगर देखें तो सी एंड डी वो किसके अंदर है, एक्स के अंदर है, मतलब पहले वाले सेट को हमने एक्स माना है, वाई बाद वाले को हमने क्या माना है, वाई, तो एक्स के अंदर। और क्या देखो ए बी जो है वो कॉमन रीजन में आए, ठीक है दोनों के कॉमन रीजन में। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ पे सी एन डी बचा है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ए बी कॉमन रीजन में आ गया, ये बचा है वो यहाँ पे आ गया। तो हमें बोला गया है कि बताओ एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स के वो एलिमेंट जो बाकी वाई के अंदर मौजूद ना हो, यानी कि हमें एक्स का वो पोर्शन बताना है जो कि वाई के साथ कॉमन ना हो। तो वो क्या हो जाएगा, ये है ना, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सी एंड डी, कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पे एलिमेंट्स, सी एंड डी। तो होप सो आपको इतना क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया था हमारा वहां कॉम्प्लीमेंट, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें कोई सेट एक्स है उसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसकी जो नोटेशन होती है वो होती है एक्स के ऊपर बार या फिर एक्स के ऊपर छोटा सी, जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो कि एक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं हो, एक्स के वो एलिमेंट्स जो कि एक्स के अंदर प्रेजेंट ना हो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है यूनियन सेट का,
है ना, सेट ऑफ विच। अच्छा यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिखना रह गया है, यूनिवर्सल सेट्स आर द सेट्स। एक यहाँ पे ये जो लाइन लिखी ना, द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल आर ऑल अदर आर सबसेट्स, तो इसका ये होता है यूनिवर्सल सेट का डिफाइन। अब जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें क्या होता है, उसमें सारे के सारे सेट्स आते हैं, सारे के सारे सेट्स के अंदर आते हैं, और अदर सेट्स जो होते हैं वो उसके होते हैं सबसेट। क्या होते हैं वो, उसके सबसेट। इसके अंदर सारे सेट्स आ जाते हैं और साथ में अदर सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके सबसेट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें तो ये जो पूरा बॉक्स है ना, आपको ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, स्क्वायर बॉक्स जो आपको यहाँ दिख रहा है ये है यूनियन सेट। क्या है ये, यूनियन सेट। वहीं पे ये जो आपको सर्कल में दिख रहा है ये हमारा कोई सेट x। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें करना है x का कॉम्प्लीमेंट, यानी x के वो एलिमेंट्स, x के एलिमेंट्स को हमें x टू करके बाकी सारे एलिमेंट्स लेने हैं, तो यानी कि x को छोड़ के पूरा जो रीजन है ना वो हमारा आंसर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ आती है, यहाँ पे मेन चीज़ ये समझना था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं। जैसे मैं बोलूँ अगर सेट ऑफ अल्फाबेट्स, देखो हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास सेट ए है इस क्वेश्चन में, सेट ए में क्या है ए बी सी डी ई, बी में क्या है सी एफ जी एच आई, और यू क्या है, यू क्या है ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, यू क्या है ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्या है ये, यूनिवर्सल सेट। क्या है ये, यूनिवर्सल सेट। हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सबसेट्स हैं, यहाँ पे जितने भी सबसेट्स हैं, जितने भी सेट हैं यहाँ पे सारे सारे यू के सबसेट हैं, जितने भी यहाँ पे सेट हैं सब के सब यू के सबसेट हैं, और सारे सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो यू के अंदर प्रेजेंट हैं, यानी कि यू क्या है इनका यूनिवर्सल सेट। क्या है वो, यूनिवर्सल सेट। अब आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो ये आपको खुद करना है। यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है यहाँ पे ए बी और यू, और आपको रेस्पेक्टिव चीज़ें इसमें परफॉर्म करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ए यूनियन बी निकालना है, यहाँ पे आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यहाँ पे निकालना है ए सेट डिफरेंस बी यानी कि ए माइनस बी, और यहाँ पे निकालना है बी माइनस ए, और यहाँ पे आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं हम थोड़ा और आगे, अब आते हैं हमारा सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब ये जो फॉर्मूलाज है काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, देखिए अगर हमें दिया जाता है दो सेट्स का यूनियन का, या अब ये जो फॉर्मूले है ना इन पे बेस हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मान लीजिए हमें दिया है ए यूनियन बी, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर बोला जाए कि हमें बताओ कि हमें बोला गया हो अगर कि ए यूनियन बी के अंदर 50 एलिमेंट्स हैं, तो पता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे एन लगा के ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर एन जो आता है ना, अगर एन जो आता है उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेट। अगर हमें दिया जाए एन ऑफ ई, ई कोई रैंडम सेट है, तो एन का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ई, और जो एलिमेंट्स का नंबर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने कल जो हमारा लास्ट टेस्ट था उसमें मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट के अंदर, उसको हम कुछ पर्टिकुलर टर्म से बोलते हैं, पर्टिकुलर टर्म उसको हम बोलते हैं, तो उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अच्छा अब आगे यहाँ पे आप आइए अब जरा, जैसे हम देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वहीं पे अगर हमें बोला जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में ये हैं, अच्छा यहाँ पे अगर हम बोला जाए कि ए यूनियन बी का पूरा कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा बार क्या है, इसका मतलब क्या है पूरा कॉम्प्लीमेंट, तो ये पता है इसके होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ऐसे अगर ए बार यूनियन बी बार हमें गिवन है तो ये क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। वहीं पे नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर हम ए यूनियन बी का बार दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है एन यूनियन माइनस के एन ए यूनियन बी। तो होप सो आपको इतना क्लियर होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट ऑपरेशंस के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम करके देखेंगे, जिससे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और साथ में चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।